Hey guys, how are you all? I am Veena and welcome back to my channel. So guys, thank you so much for your love, support and your subscription. So my today's video all about pearl earring. आप सबने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत ही प्रिटी है इयररिंग्स. सो मैं आज जो मेरा वीडियो है वो उसी के रिगार्डिंग है. एंड वन मोर थिंग, आई वांट टू शेयर सम गुड न्यूज़ विद यू दैट मैं अपना एक लॉन्च कर रही हूँ हैंडमेड ज्वेलरी का किट. उसको कैसे बनाते हैं उसका जो डेमो वीडियो है वो आज मैं आपके साथ पूरा इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. और आपको कैसे किट प्रोवाइड होगा वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी. तो सबसे पहले मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ और मेरा जो किट होगा वो कैसे होगा. सो बेसिकली मैं आपके साथ में इस किट का जो नाम है वो है मोती किट. इसमें सारी पर्ल ज्वेलरी के पैचेस हैं और तो मैं अभी आपके साथ में खोल के शेयर करती हूँ कि इसमें मैं आपके साथ में क्या क्या शेयर करने वाली हूँ. तो सबसे पहले आप सब लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है मुझसे ये कि मैं कार्डबोर्ड कौन से यूज़ करती हूँ. तो मैंने मेरे स्केट में कार्डबोर्ड भी इंक्लूड किए हैं जिसमें आपको मिलेंगे कार्डबोर्ड जो आपको ईयरिंग में हेल्प करेंगे आपको ईयरिंग बेस के लिए. तो आपको चार ईयरिंग मतलब फोर ईयरिंग्स बनाने के लिए आपको कितने कार्डबोर्ड की ज़रूरत होगी वो सारे कार्डबोर्ड इसमें रहेंगे. फिर आपको मिलेंगे हेड पिंस जो स्टिकिंग के लिए रहेंगे वो आपको 50 ग्राम मिलेंगे इसमें. एंड फिर रबर पुश जो ईयरिंग लॉक के लिए यूज़ होता है ईयरिंग के पीछे यूज़ होता है यू नो वेरी वेल कि इसको कैसे यूज़ करना है. तो इस किट में ये भी रहेगा. एंड सेकेंडली आपके साथ में रहेंगे स्विंग थ्रेड, 9 नंबर का निडल जो मैं यूज़ करती हूँ हैंडमेड ज्वेलरी के लिए. कौन सा निडल यूज़ होता है ये 9 नंबर का निडल है. इसका पूरा पैकेट आपको इस किट में मिलेगा जिससे आप ज्वेलरी बना सकते हैं. सेकेंड आपको मिलेगा फैब्रिक ग्लू. फैब्रिक ग्लू मैंने इसीलिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया है कि आप कोई और यूज़ और कोई ग्लू यूज़ ना करें बिकॉज मैं यही यूज़ करती हूँ ग्लू. और मेरी इस आज की वीडियो में मैं यही ग्लू यूज़ करने वाली हूँ. सो इसके लिए ये आपके साथ में इस किट में ये ग्लू भी रहेगा. उसके बाद में रहेगा हैंड कटर जो कि थ्रेड के लिए यूज़ होता है. एक्चुअली मैं सीजर यूज़ करती हूँ और कई बार कटर भी यूज़ करती हूँ लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हैंडमेड ज्वेलरी के लिए. इससे आप स्मॉल से स्मॉल थ्रेड कट कर सकते हैं. तो आपके साथ मिसकिट में ये भी रहेगा. सेकेंड फिर रहेगी इसमें ड्रॉप बीट्स जो आपको यूज़ आएंगे ड्रॉप बीट्स. एंड फिर उसके बाद में आएंगे सीड बीट्स ऑफ वाइट कलर के जो आपको यूज़ आएंगे ईयरिंग बनाने में बीट्स. तो आपको बीट्स भी मिलेंगे उसमें. फिर आपको मिलेगा इसमें हैंडमेड पैचेस ईयरिंग के जो मैंने पैचेस ऑलरेडी बनवा के रखे हैं. तो ऐसे आपको 4 ईयरिंग मिलेंगे जिसमें ईच डिज़ाइन 2 पीसेस रहेंगे मतलब 2 पेयर रहेंगे इसमें. सो ये वाले जो डिज़ाइंस रहेंगे इनका जो साइज़ है वो 2.5 इंचेस है. अगर आप इसमें टेसल्स यूज़ करते हैं या फिर ड्रॉप बीट्स यूज़ करते हैं तो इसका जो साइज़ है वो 3 इंचेस हो जाएगा. उसके बाद में मैंने एक आई शेप भी दिया है एविल आई शेप. ये हैंडमेड वर्क है. यू कैन सी एविल आई जो शेप है वो भी इसमें रहेगा. इसके 2 पेयर रहेंगे आपके साथ में. सो टोटली इस किट में आपको मिलेंगे टोटल 4 ईयरिंग्स के पेयर आपको. सो ये जो किट है इस किट का नाम है मोती किट. और ये जो किट रहेंगे वो मेरे वी फैशन एक्सेसरीज पे अपलोड हैं. आप वहाँ पर जाके इनको शॉपिंग कर सकते हैं वहाँ से और वहाँ से आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं. इसका जो शॉपिंग लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. आप वहाँ से इसको शॉप कर सकते हैं. और इसका जो प्राइस है वो विद शिपिंग 1100 है. तो आपको कोई एक्स्ट्रा शिपिंग देने की ज़रूरत नहीं है ऑल ओवर इंडिया. अगर आपको इंटरनेशनल शिपिंग चाहिए तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा. लेकिन डोमेस्टिक आई मीन ऑल ओवर इंडिया में इसका शिपिंग फ्री है. सो बस आज मैं आपको बताऊंगी कि इनको कैसे बनाना है घर पे. सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो. सो मोती किट में आपको मिलेगा ये सब मटेरियल. फैब्रिक ग्लू मिलेगा, कटर मिलेगा आपको और सीड बीट्स मिलेंगे 50 ग्राम्स और आपको बैक ईयरिंग पुश और इसमें साथ में आपको मिलेगा ड्रॉप बीट्स एंड स्टड हेड पिन बैक स्टड हेड पिन 9 नंबर निडल और आपको मिलेगा एक स्विंग थ्रेड और कार्डबोर्ड ईयरिंग बेस के लिए
फोर ईयरिंग पैचेस मतलब कि फोर ईयरिंग पेयर को मिलेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाते हैं इन्हें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये लिए हैं दो पैचेस और यहाँ पे लिया है एक पेन। आप यूज़ कर सकते हैं पेंसिल भी। एक स्मॉल साइज सीज़र लेना है, स्केल लेना है और आपको एक लेना है कार्डबोर्ड। जो मैंने इसी कार्डबोर्ड जो आपकी किट में रहेगा वही कार्डबोर्ड मैं यूज़ करने वाली हूँ। आप कोई भी एक शेप ले लीजिए। अगर आपके पास में ये शेप नहीं है तो आप राउंडर भी यूज़ कर सकते हैं। राउंडर भी परफेक्ट है शेप के लिए, तो आप उस तरीके से और उसके बाद में कट करना है। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि कट कैसे करना है, कार्डबोर्ड अच्छे से कट नहीं होता है। तो मेक श्योर कार्डबोर्ड कट करने के लिए आप सीज़र हमेशा ऑलवेज स्मॉल एंड पेपर कटिंग सीज़र यूज़ कीजिए। बड़ी सीज़र यूज़ करने से अच्छे से शेप नहीं कट होता है और हम शार्प कट नहीं कर सकते। इसीलिए ऑलवेज सीज़र शुड बी स्मॉल एंड वो अगर आप बिगनर हैं तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सीज़र का साइज़ है वो छोटा लें और पेपर कटिंग ही ले। इससे फैब्रिक कट ना कीजिए बिकॉज कई बार ख़राब हो जाती है सीज़र। जो पेपर सीज़र है उसको पेपर ही कट करें और फैब्रिक सीज़र से फैब्रिक को ही कट करें। सो इसी तरीके से करना है कट आपको कार्डबोर्ड। मेक श्योर आपका जो कार्डबोर्ड है वो 1 mm छोटा रहे आपके हैंडमेड पैचेस से। इससे क्या होगा ना कि जो साइड का फैब्रिक है वो विजिबल नहीं होगा, सिर्फ जो हैंडवर्क है वही विजिबल होगा। तो मेक श्योर आपका जो साइज़ है उसे 1 या 2 mm आपको जो कार्डबोर्ड है वो स्मॉल रखना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से शायद 2 mm फैब्रिक कट किया, सॉरी कार्डबोर्ड कट किया है। तो इसी तरीके से आपको कट करना है और उसके बाद में अभी हम कार्डबोर्ड को कवर करेंगे। तो ये जो पैचेस हैं इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट करना है। उसका एजिंग मिनिमम 1 inches से 1/2 inches होना चाहिए। एक्चुअली 1 inches भी नहीं होना चाहिए। इसका जो आइडियल साइज़ है वो 1/2 inches ही होना चाहिए। आपको जो नॉचेस हैं वो 1/2 inches पे कट करने हैं। सो ईज़ीली ये कवर हो जाएगा और इसको स्टिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने इसके सारे पैच साइड से कट कर दिया है इसके नॉचेस। और अभी अप्लाई करना है आपको फैब्रिक्रिल का ये ग्लू, फैब्रिक ग्लू। अभी करना है अप्लाई ग्लू एंड स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक सारे जो नॉचेस कट हैं वो उस पर स्टिक करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपने ग्लू कम अप्लाई किया है तो थोड़ा सा और ग्लू आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पे हॉट ग्लू बिल्कुल यूज़ नहीं करना है बिकॉज हॉट ग्लू काफ़ी ज़्यादा और थिक हो जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ। फैब्रिक ग्लू कार्डबोर्ड पे अच्छे से स्टिक हो जाता है और फैब्रिक पे अच्छे से स्टिक हो जाता है। सो मैं इसको सेट कर रही हूँ। अब अगर आपके पास में कोई टूल्स हैं तो आप टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हैंडवर्क है इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये टूटे ना, तो मैं इसमें कोई टूल यूज़ नहीं करती हूँ। अदरवाइज़ आप इसमें स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, मेटल स्केल। अब मैं इसमें ड्रॉप बीट्स ऐड करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 9 नंबर का निडल। आपको एक निडल लेना है और स्विंग थ्रेड, आपको पता है कैसे डालना है स्विंग थ्रेड। स्विंग थ्रेड आपको ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेना है। अगर आप स्विंग थ्रेड ज़्यादा लॉन्ग लेते हैं तो कई बार वो उलझ के फंस जाता है और इससे पूरा ईयरिंग हमें वापस बनाना पड़ता है। तो मेक श्योर आप थोड़ा थोड़ा ही जो स्विंग थ्रेड है आप स्टिचिंग के लिए यूज़ कीजिए। तो नॉट लगा के आपको करना है सारे मार्किंग कि आपको कितने सारे टेसल्स चाहिए या फिर कितने ड्रॉप बीट्स आपको लगाने हैं। मेक श्योर आप इसका सेंटर पार्ट पहले मार्क कर दें, उसके बाद में आप देख लें और मार्किंग लगा दें कि आपको कितने सारे ड्रॉप्स आपको बनाने हैं और कितने लाइंस बनाने हैं। तो मेरा जो डिज़ाइन रहेगा वो ऐसे रहेगा कि मैं इसमें 6 से 7 टेसल्स ऐड करूँगी और इसके बीच में भी टेसल्स ऐड करूँगी, स्मॉल एंड बिग। अनइवन साइज़ में मैं यहाँ पर ड्रा करने वाली हूँ। आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मेरा
मेरा ये जो ड्रॉप डिज़ाइन है वो मैं कैसे करने वाली हूँ। मैं इसको थोड़ा सा हैवी बना रही हूँ, आप चाहें तो इसमें स्कैलपिंग कर सकते हैं, इसमें ड्रॉप बीड्स, बहुत सारे टैसल्स आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू दैट आपको इसको कैसे बनाना है। मैं जस्ट आपको एक रैंडम आइडिया दे रही हूँ कि मैं इसको ऐसे बना रही हूँ। बिग साइज़ के सारे टैसल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे स्मॉल लाइंस यूज़ करूँगी, मतलब यहाँ पे बीड्स की टोटल मेरे पास में टू लेयर होंगे, एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी। मैंने बड़ी लाइन में बीड्स लिए हैं टोटल 15 एंड स्मॉल लाइन में मैंने टोटल लिए हैं 7 बीड्स, तो इनका जो साइज़ है वो इक्वल रहेगा। मेक श्योर अगर आप ऐसे बीड्स के लाइंस बना रहे हैं तो आप बीड्स को काउंट कर ले। इससे क्या होगा ना कि सब सारे जो टैसल्स रहेंगे सारे ये एक साइज़ के रहेंगे, अनइवन नहीं रहेंगे। ये परफेक्शंस के साथ काम करना, अगर आप सेलिंग के लिए इसको यूज़ कर रही हैं तो मेक श्योर इसका जो साइज़ है वो सारे बीड्स एक जैसे रहें, सारे लाइंस में बीड्स इक्वल क्वांटिटी में हो। सो यू कैन सी मैंने स्मॉल बिग इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉप बीड्स की बनाने वाली हूँ, तो ये पूरा ईयरिंग इसी तरीके से रहेगा। ये वाली लास्ट लाइन है और हियर इज़ द ईयरिंग इज रेडी, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम करते हैं बैक फिनिशिंग के पास। तो बैक फिनिशिंग के लिए ऑलमोस्ट मेरा सेम रहता है, मैं दो तरीके से बैक फिनिशिंग आपको बताऊंगी आपको कैसे दो फिनिशिंग करना है। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे आपको स्टिक करना है स्टड हेड पिन और मैं यहाँ पे बैक फिनिशिंग हेमिंग करने वाली हूँ। तो अगर ये आप पे है, आपकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग है कि आप इस ईयरिंग में कितनी मेहनत कर रही हैं या फिर आप किस तरीके से इसको फिनिश कर रही हैं। तो फिनिशिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेलिंग पार्ट में, तो मैं थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ स्टिक बैक साइड स्टिकिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको हैंड से स्टिच करूँगी, लेकिन मैं आपको दोनों बताऊँगी कि दोनों कैसे आप कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए ईयरिंग बना रहे हैं या बैक साइड से आप हेमिंग नहीं करना चाहते तो उसको स्टिक पे कर सकते हैं आप बैक साइड में आप कैनवास लगा के। तो मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगी कि कैसे इसको स्टिक करके बैक फिनिशिंग करना है। सो मैंने बहुत सारे मेरे वीडियोस में बताया है आपको कि कैसे आपको बैक साइड में हेमिंग करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे हेमिंग कर रही हूँ। आपको कोई भी फैब्रिक लेना है, कॉटन का फैब्रिक लेना है, इस किट में आपको नहीं मिलेगा फैब्रिक, इसमें आपको मिलेगा कैनवास मिलेगा बैक फिनिशिंग के लिए, तो आप कैनवास भी यूज़ कर सकती हैं। वैसे आप ईयरिंग के लिए बैक में फैब्रिक कॉटन भी ले सकती हैं। एंड गर्ल्स आपको क्या करना है, जो फैब्रिक है वो धीरे धीरे आपको फोल्ड करना है, एक साथ फोल्ड नहीं करना है, बिकॉज जो फैब्रिक है वो बायस में है। तो आप इसको एक साथ फोल्ड करेंगे तो इसमें प्लीट आ जाएंगे, तो अगर आपको प्लीट नहीं रखना है तो मेक श्योर इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करें और स्टिच करते जाएँ, तो इसमें बिल्कुल भी प्लीटिंग नहीं आएगा। तो अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं बैक फिनिशिंग के लिए तो अब से ये प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। को लॉक करने के बाद में कट करें, तो ये है फर्स्ट फिनिशिंग जो मैंने करी है हैंड से। अभी मैं आपके साथ में नेक्स्ट शेयर करूंगी कि इसको स्टिक कैसे करते हैं।
सो अभी मेरे पास में यह कैनवास है, ये कैनवास आपके इस किट में रहेगा। मैं आपको आगे बताना भूल गई, बट मुझे लगता है ये नेसेसरी है, बिकॉज कई बार कैनवास मार्केट में फाइंड करना बहुत डिफ़िकल्ट है और ये स्मॉल क्वांटिटी में नहीं मिलता है, तो ये आपको किट में आएगा। तो उसको कट करना है। अगेन यहाँ पे आपका जो ईयरिंग है उसका साइज़ का ही आपको बैक साइड फिनिश करना है। तो मैंने यहाँ पे जो ईयरिंग का जो शेप है वही रैंडम ड्रॉ करके एक कैनवास कट कर दिया है। और आपको पहले स्टड हेडपिन लगाना है, और जहाँ से आपको लग रहा है एक्स्ट्रा कार्ड ये एक्स्ट्रा कैनवास है तो वो कैनवास आपको कट कर देना है। पहले आपको लगाना है स्टड हेडपिन एंड उसके बाद में हॉट ग्लू यूज़ करना है। अभी मैंने यहाँ पे हॉट फैब्रिक ग्लू इसीलिए यूज़ नहीं किया है बिकॉज ये जो ये कैनवास है ये हॉट ग्लू से अच्छे से चिपकता है। मुझे थोड़ा सा डाउट है कि फैब्रिक ग्लू से ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू यूज़ नहीं किया है। ये बिल्कुल भी सेफ़ है, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसको बैक फिनिशिंग करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है मुझे ऐसा लगता है। आई नो गर्ल्स, मुझे लगता है आपको सेकेंड वाला आइडिया ज़्यादा पसंद आया है कम्पेयर टू दी हैंड स्टिच, बट इट्स ओनली अप टू यू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से स्टिक कर रहे हैं, बैक फिनिशिंग अच्छे से कर रहे हैं, तो सेकेंड है एबिलाई शेप। ये बहुत ही डिज़ाइन पॉपुलर है, तो मुझे लगा क्यों ना मुझे इस किट में ये वाला डिज़ाइन भी ऐड करना चाहिए। तो अभी हम इसको करते हैं कट। आई शेप में आपको कार्डबोर्ड कट करना है। ये मेरा थोड़ा सा रैंडम आइडिया है, ये मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ईजी है ड्रॉ करना। तो मैं सारे एजिंग पे पॉइंट्स बना रही हूँ और उसके बाद में उसको मैच करना है। तो आप एक रैंडम सा शेप ड्रॉ करके आप कट कर दें उसको। मेक श्योर जो कार्डबोर्ड है वो पैच से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, सो हैंडवर्क प्रॉपर विजिबल हो, अदरवाइज साइड से फैब्रिक विजिबल होगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। शेप मेक श्योर जैसा पैच का शेप है वैसा ही होना चाहिए। ऐसा है तो एक बार आप थोड़ा जो स्केल है मेजरमेंट कर लें आप, उससे भी ज़्यादा ईजी रहेगा। उसके बाद में ये स्मॉल सा राउंड है तो मैं इसको रैंडमली ही कट कर रही हूँ। तो करना है आपको और सारे यहाँ पे एजिंग भी कट करना है, सारे जो एजिंग पे हैं नॉचेस कट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारे जो नॉचेस हैं वो उसको सेट करते जाना है, वो स्टिक हो जाएंगे। फैब्रिक ग्लू है तो इजीली सेट हो जाता है ये। तो फिर सेकंड साइड से भी आपको अप्लाई करना है फैब्रिक ग्लू। मिनिमम इसको 10 टू 5 मिनट्स इसको ड्राई होने के लिए रख दीजिए, सो ये अच्छे से सेट हो जाएगा और अच्छे से सूख जाएगा, सो बिल्कुल निकलेगा नहीं, बिकॉज कई बार क्या होता है ये निकल जाता है, सो उसको सेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये थोड़ा सा छोटा है लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये इजीली हो जाता है अच्छे से स्टिक। प्लीज़ डोंट यूज़ हॉट ग्लू बिकॉज ये ऑलरेडी इतना छोटा है और हॉट ग्लू से ये बहुत थिक हो जाएगा और आपको फिनिशिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप हॉट ग्लू यूज़ करें, क्योंकि हॉट ग्लू में कई बार ये छोटा सा फिनिशिंग करने में हाथ भी जल जाते हैं। तो मेक श्योर आप थोड़ा केयरफुली आपको करें तो फैब्रिक ग्लू ज़्यादा ईजी रहेगा। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसका ड्राई होने के लिए, लेकिन ये ईजी है और सेफ है। अभी मैं यहाँ पे ड्रॉप शेप के बंच बना रही हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ, मैं यहाँ पे 3 लेयर बनाने वाली हूँ। फर्स्ट लेयर में यहाँ पे मैं टोटल 4 बीट्स यूज़ करूँगी एंड सेकेंड लाइन में मैं यूज़ करूँगी 6 बीट्स एंड थर्ड लाइन में यूज़ करूँगी मैं टोटल 10 बीट्स। सो फर्स्ट लाइन में रहेंगे 2 ड्रॉप बीट्स, सेकेंड में भी 2 रहेंगे लेकिन जो थर्ड लाइन है उसमें 1 रहेगा। तो ये इजीली स्टेप बाय स्टेप बंच बहुत ही प्रीटी लगेगा। और अगर आपको बंच बनाना नहीं आता है तो इस वीडियो में आप ज़रूर सीखेंगे कि कैसे बीट्स का बंच बनाते हैं। सो आपने देख लिया मेरा ये फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया है। अभी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली टोटल 5 बीट्स। तो ये 5 बीट्स हो गए और एक ड्रॉप शेप
और इसके बाद में एक लास्ट, टोटल 6 बीट्स हो जाएंगे इसमें। सो अगेन मैं सेकेंड लाइन में भी टू लेयर यूज़ करने वाली हूँ। टोटल इसमें 5 ड्रॉप रहेंगे। बीट्स बिल्कुल भी आपको वेस्ट नहीं करना है। सो ये रहेगा लास्ट लाइन। लास्ट लाइन में यूज़ करने वाली हूँ टोटल 10 बीट्स। सो 9 रहेंगे एंड एंड पे रहेगा एक बीट्स, टोटल हो जाएंगे 10। सो ये परफेक्ट बंच है, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, इक्वल लग रहा है ये। वरना कई बार क्या हो जाता है कि जो लास्ट वाला होता है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है और टोटल दो वाली जो लाइन है वो बहुत स्मॉल होती है। तो मेक श्योर आपका जो बीट्स का क्वांटिटी है वो थोड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ज़्यादा बैलेंस होना चाहिए उनका। तो ये जो ड्रॉप है अच्छा लगेगा, इसका जो बंच है वो अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे जो स्टड है वो मैं स्टिचिंग से ही इसको अटैच कर रही हूँ। अगर आपको अलग से अटैच करना है जंपिंग रिंग से तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसको सेपरेट नहीं दिखाना है तो मैं ऐसे इसको हैंड से ही स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये स्टिच हो गया है, ऑलमोस्ट ईयरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको लगाना है बैक में स्टड हेड पिन और कैनवास। मैं यहाँ पे बैक में कैनवास ही यूज़ कर रही हूँ, मैंने हॉट ग्लू पहले से ही अप्लाई कर दिया था तो बैक में मैं यहाँ पे अगेन हॉट ग्लू ही यूज़ कर रही हूँ। मेक श्योर आपका जो ग्लू है वो थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा वो, क्योंकि अगर ग्लू गन थोड़ी सी ठंडी है तो आप उसको यूज़ ना करें। ज़्यादा ग्लू, हॉट ग्लू होगा तो अच्छे से चिपकेगा और उसका कंसिस्टेंसी अच्छे से रहेगा, ग्लू पतला रहेगा, ज़्यादा थिक नहीं रहेगा। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं वो फिनिशिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं अगर आप इयरिंग बनाते हैं तो। सो हियर्स द फाइनल माई इयरिंग एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।